आज हम बात कर रहे हैं जेपी पावर की। आज बाजार की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त गिरावट के साथ में हुई और इस गिरावट के पीछे वजह बनी यूएस मार्केट। आप देख सकते हो कि यूएस मार्केट में डाउ जो बहुत ही जबरदस्त गिरा था फ्राइडे को, करीब 1000 पॉइंट की बड़ी गिरावट यानी 3% के आसपास गिरावट थी और एक तरह से क्रैश कर गया था। और इसके पीछे वजह बनी थी यूएस फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था कि हमें आने वाले समय में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, हमें इकोनॉमी से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये कि जो बयान था वो बाजार के लिए कोई फेवरेबल नहीं था और इसीलिए बाजार क्रैश कर गया और दूसरे बाजार भी जबरदस्त तरीके से गिरे। हमारे बाजार में भी बड़ी गिरावट हुई, लगभग 1400 पॉइंट की गिरावट के साथ में शुरुआत हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे बाजार संभल गया और ये जो बाजार संभला इसकी वजह से कुछ पॉजिटिव माहौल भी बना। तो आगे अब क्या संभावना बनी है, क्या बाजार में फिर से तेजी आएगी या फिर अभी और गिरावट होगी और ऐसे में हमें क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्या जेपी पावर में निवेश करना चाहिए। वैसे तो जेपी पावर में आज थोड़ी सी गिरावट है लेकिन क्या इस गिरावट का हमें फायदा उठाना चाहिए, क्या आने वाले समय में जेपी पावर में बड़ी तेजी आ सकती है। दूसरी तरफ जेपी पावर से की तरफ से एक्सचेंज को एक बड़ी जानकारी दी गई है, जेपी पावर के एजीएम की डेट हमारे सामने आ चुकी है, क्या हो सकता है एजीएम में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, क्या इस छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बाजार की बात करें तो फिलहाल आप देख सकते हो बीएससी सेंसेक्स 58039 के ऊपर स्तर पर है जहाँ पे 1.35% की गिरावट है। लेकिन अगर आप ये देखें तो आज इंट्राडे में बहुत बड़ी गिरावट थी, करीब 1400 पॉइंट 1500 पॉइंट के आसपास गिरावट हुई थी लेकिन उसके बाद में बाजार संभल गया। और यहाँ पे अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट है यानी 27641 के स्तर पर 0.30% की गिरावट है। लेकिन इसके बीच में ये खरीदारी क्यों हो रही है, खरीदारी के पीछे वजह है एफआईआई। एफआईआई इंडिया के मार्केट में ज़बरदस्त खरीदारी करे और जिस तरह से यूएस मार्केट में मायूसी छाने लगी है अब उनका जो निवेश है बड़े फंड हाउस का एफआईआई का वो सारा इंडिया के मार्केट में आ रहा है। आप देख सकते हो एशिया के बाजार में जो उन्होंने निवेश किया पिछले दिनों उसमें 76% का पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन्होंने इंडियन मार्केट में ही किया है। एशिया के करीब 9 मेन मार्केट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया जिसमें 7.5 अरब डॉलर का टोटल इन्वेस्टमेंट किया है। इंडियन रुपीज़ में अगर हम देखें तो 59,876 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 5.7 अरब डॉलर का यानी 45,506 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने सिर्फ इंडियन मार्केट में किया है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त 76% इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडियन मार्केट में किया है एफआईआई ने। दूसरे नंबर पर कोरिया का बाजार है तो आप समझ सकते हो कि उनके पहली पसंद बनी हुई है इंडिया और इसीलिए आने वाले समय यहाँ पर फिर से तेजी की संभावना बनेगी ही बनेगी। और चाइना का तो फिलहाल इन्वेस्टमेंट उन्होंने बिल्कुल कम कर दिया, चाइना की तरफ कोई भरोसा नहीं कर रहे। जेपी पावर की अगर हम बात करें तो फिलहाल स्टॉक 7.50 पर है जहाँ पे 1.96% की गिरावट है। यहाँ पे अगर जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया लोगों को पिछले दिनों। अगर बात करें हम 27 मार्च 2020 की जब कोरोना की वजह से बाजार गिरा था ये 50 पैसे के आसपास स्टॉक था, अब 50 पैसे का स्टॉक 11 तक जाके आया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लोगों को मालामाल कर दिया। काफ़ी लोगों के सर आपने जेपी पावर बताया ये तो नीचे जा रहा है हमारा लॉस हो रहा है, लेकिन मैंने ये स्टॉक आपको 2 रुपये के आसपास सजेस्ट किया था अभी नहीं किया, अब 2 रुपये का स्टॉक 11 तक जाके आया, क्या शानदार रिटर्न दिया है। अब ये स्टॉक फिर से दौड़ेगा, थोड़ा समय है, आने वाले समय डेफिनेटली इसमें अच्छा रिटर्न दिखेगा। या आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छी है क्योंकि 6.40 की प्राइस थी 29 जुलाई की, उस हिसाब से अभी भी एक कम से कम 1 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये लगभग आप देख सकते हो कि 8.30 रुपये की इसने हाई भी बनाई थी, तो ये काफ़ी इस लेवल पे अच्छा लग रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो बीएससी में आज करीब 1,28,51,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 39,35,000 की डिलीवरी उठेगी, डिलीवरी का परसेंटेज 30.62% अभी बाजार शुरू है। एनएससी की अगर बात करें तो यहाँ पे 2,93,41,000 का वॉल्यूम हो चुका है, सामने 1,14,86,000 की डिलीवरी उठाई गई है, डिलीवरी का परसेंटेज 39.15% है। तो दोनों एक्सचेंज में कामकाज अच्छा हो रहा है। वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम होता और फ्राइडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम था, अभी बाजार शुरू है लगभग 1 बजे का टाइम है 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, मतलब वॉल्यूम आपको फ्राइडे से ज़्यादा होता है वो दिखाई दे सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बायर फिलहाल 1,60,00,000 है लेकिन सामने सेलर 1,82,00,000, इसका मतलब और थोड़ा सा दबाव आता है वो दिखाई दे सकता है, लेकिन अगर बाजार रिकवर हो गया तो फिर पॉजिटिव माहौल बन जाएगा। अब यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दी गई है जेपी पावर की तरफ से कि उनकी एजीएम की डेट सामने आ चुकी है यानी 24 सितंबर को सैटरडे के दिन ये अपनी एजीएम रखने जा रहे हैं और इस एजीएम के माध्यम से बड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं, साथ में जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है उसको भी शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं, तो ये डेट हमें खास ध्यान रखनी है। डेट सामने आ चुकी है एजीएम की कि आने वाले समय जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में निवेश का जरिया बनता है, स्टॉक इस बार रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा दिया है और ज़बरदस्त आंकड़े निकल कर आए। लेकिन इसके बीच में अगर देखें तो
यहाँ पे जो ऑल इंडिया इलेक्ट्रिक इंजीनियर फेडरेशन है उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया गया है यह एक तरह से प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी है। सरकार बिजली विभाग पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में सौंप देंगे और आने वाले समय सारे स्टेट के डिस्कॉम बंद हो जाएंगे और जो कंट्रोल है फिलहाल स्टेट का वो सारा खत्म हो जाएगा। और इसीलिए कह रहे हैं कि इस बिल को हमें रोकना है, इसको हमें नहीं आने देना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से आने वाले समय जो सब्सिडी है वो भी खत्म हो सकती है किसानों की, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि प्राइवेट कंपनियां तो सब्सिडी देगी नहीं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर बिजली नहीं देंगे प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि उनको वहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो सिर्फ शहरी क्षेत्रों को ही फोकस करेंगे। तो जिस तरह से कर्ज में डूब के डिस्कॉम बंद हो जाएंगे तो बिजली की व्यवस्था बिगड़ जाएगी और इसलिए आने वाले समय ये एक तरह से बड़ा कदम जो है जो गलत होने वाला है। कुल मिला के आगे आप देख सकते हो कि शैलेंद्र दुबे की तरफ से जो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के जो चेयरमैन है उनका कहना है कि ये बिल लोगों के हित में नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इसका लोगों रुकावट हो रही है और इसलिए अभी आने वाले समय ये स्टैंडिंग कमेटी में इसमें क्या निर्णय आता है। लेकिन अगर एक देश है ये जो बिल है एक तरह से रिवॉल्यूशन लाने वाला बिल है, क्योंकि इस समय से जिस तरह से अगर आप देखें तो करीब 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है अलग अलग स्टेट के ऊपर और ये पावर सेक्टर की कंपनी को अदा करना है, लेकिन ये हो नहीं पाता है क्योंकि जितने सरकारी महकमे में वो खुद बिल नहीं भरते हैं और इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो आने वाले समय अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनी आएंगे तो वो सख्त तरीके से निर्णय लेंगे, तो ऐसे में समझ सकते हो कि जो पावर सेक्टर की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है और पावर सेक्टर को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है और इसलिए सरकार कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे देखिए जेपी पावर की बात करें तो कंपनी लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है और आने वाले समय थर्मल पावर प्लांट का कामकाज भी बढ़ता रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। स्टॉक की प्राइस काफ़ी फेयर है क्योंकि अपने बुक वैल्यू से लगभग आधी कीमत में मिल रहा है स्टॉक। अब यहाँ पे इसकी रेटिंग देखें तो काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार निकल के आ रहे हैं, ईपीएस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है, बाय डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की है और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 4 स्टार है। तो आप देख सकते हो इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है और इस रेटिंग के दम पे निवेश किया जा सकता है बिल्कुल। अब यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर फिलहाल थोड़े से आपको बेरिश दिखाई देंगे, मूविंग एवरेजेस तो बाय की कॉल दे रहा है लेकिन मोमेंटम ऑस्किलेटर्स सेल की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी सेल की कॉल दे रहा है, वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है और कैंडलस्टिक पैटर्न न्यूट्रल बना हुआ है। तो फिलहाल तो आप देख सकते हो कि इसके जो पैटर्न है वो बियरिश बने हुए। टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें तो फिलहाल सेल की कॉल दे रहा है लेकिन यहाँ पे सेंटीमेंट्स जो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं, लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है और इसकी समरी वो फिलहाल न्यूट्रल बनी हुई है। तो टेक्निकल लेवल देखें तो आपको कमजोर दिखाई देंगे लेकिन लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ अच्छा खासा बना हुआ है और जिस तरह से FII बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और FII का निवेश लगातार जेपी पावर में आ रहा है तो ये स्टॉक जरूर आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ में बने रहे, कोई डरने की बात नहीं, बाजार में जब गिरावट होती है तो हर स्टॉक नीचे आता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है, 87% बाय की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, तो आप देख सकते हो 100 में से 87% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब पीवट लेवल को भी चेक कर लेते तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.52 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 7.38 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 7.22 तक जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 7.82 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 7.98 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया फिर 8.12 तक जा सकता है। फिलहाल आप देखो तो इसमें पहला इसका सपोर्ट टूटा हुआ है, बाकी अभी स्टॉक में और बड़ी गिरावट की थोड़ी सी संभावना कम दिख रही है क्योंकि FII की तरफ से खरीदारी जारी है, तो जल्दी यहाँ पे तेजी बनेगी लेकिन फिलहाल इसके पैटर्न बेरिश बने ये भी आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट हो सकती है लेकिन डिप में खरीदारी करें, ये आने वाले समय डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।